सुंदरबनी में अखनूर विधानसभा के गांव सलियोट में लोगों को पीने के पानी की बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मगर वहां के स्थानीय विधायक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यहां के सरपंच दर्शन लाल ने बताया कि पिछली सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक पानी का टैंक और बोरिंग करवाई थी, मगर सरकार बदल जाने के बाद यह काम वही बंद हो गया और नई सरकार की नाकामी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दर्शन लाल ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल किया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। मैं पानी की समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो मेरे सामने पीछे टैंक दिखाई दे रहा है, ये आज से 3 साल पहले बना था। तो पिछली सरकार ने 1,67,00,000 रुपये इस स्कीम के दिए थे। तो उस टाइम श्यामलाल जी शर्मा पीएच के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो मिनी ट्यूबवेल दिया था सलियोट वासियों को पीने के पानी के लिए। तो उसके बाद 3 साल हुए जब से नई सरकार आई है, तब से इस स्कीम इधर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो लोग पीने के पानी से वंचित हैं। पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। 15 दिन में 20 दिन में एक बार नलका आता है, तो दूषित पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग, लोगों की परेशानी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस स्कीम को चालू किया जाए और लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए।